ब्रेकअप जैसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं लोग? डेफिनेटली, ये सिचुएशन जितनी डिफिकल्ट लग रही है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोसेस से गुजर रहा है। कारण कोई भी हो, सामने वाला व्यक्ति कारण हो सकता है, आप खुद कारण हो सकते हैं, सिचुएशन कारण हो सकते हैं, पेरेंट्स कारण हो सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति कारण हो सकता है। सच बात तो यह है कि अगर आप सेपरेट हो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, तो उससे बाहर आने का रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी नियर एंड डियर वंस है, फ्रेंड्स है, वो आपको समझा रहे हैं और वो सारी बातें समझा रहे हैं जो आप समझते हैं, लेकिन फिर भी दुख को तो आपका सामना करना पड़ता है, उस दर्द को आपको ही महसूस करना पड़ रहा है। एक सिचुएशन थी जब उस व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, एंड योर माइंड वॉज टोटली ओके, फैंटास्टिक, फाइन। जब आप रिलेशनशिप में आए, सो यू स्टार्टेड गेटिंग दैट एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस इन दैट रिलेशनशिप, देन योर माइंड वॉज इन सम डिफरेंट स्टेट। आज जब सेपरेट हो चुके हैं तो माइंड अलग स्टेट में है। इसका ये मतलब है कि मन की स्टेट्स बदल रही है और उस स्टेट के अकॉर्डिंग हम उसको हैप्पीनेस या सैडनेस को महसूस कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इस माइंड को हम ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे अगेन वी विल बी हैप्पी विदाउट दैट रिलेशनशिप? वेदर आई कैन मूव अहेड इन लाइफ, वेदर आई कैन हैव अ बेटर लाइफ अहेड? 100% यस। अगर आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सके, अगर आप अपने माइंड से वो सारे गलत प्रोग्राम्स डिलीट कर सके जो आपको तकलीफ दे रही है, तो 100% यू विल बी अ न्यू पर्सन। व्हाई? बिकॉज सिचुएशन समझिए कि आज वो पर्सन आपके साथ नहीं है, फिर भी उस पर्सन की वजह से तकलीफ हो रही है। ऐसे कैसे? वो पर्सन सामने नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो पर्सन तकलीफ दे रहा है। ये बात समझ सकते हैं कि जब वो पर्सन आपके साथ था तो आपको खुशी हो रही थी, आनंद को महसूस करते थे, यू वॉज एंजॉइंग द कंपनी, साथ थे तो एंजॉयमेंट हो रहा था, लेकिन अब दूर है यानी साथ में नहीं है तो इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, इफेक्ट साथ रहने से या दूर जाने से नहीं होता है, इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जो इमेज बन चुका है, जो एक्सपेक्टेशन बन चुका है। मैं अपनी टेक्निकल हिप्नोटिक की लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो वो जो प्रोग्राम उस व्यक्ति का आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, उसकी वजह से आपको खुशी या गम हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एज ए हिप्नोटिस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को मैंने मदद करी है, नॉट ओनली दिस बट अलग अलग सिचुएशन से लोगों को बाहर निकालने के लिए हिप्नोसिस के माध्यम से मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लेके लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आप इससे बाहर आना चाहते हैं, बिलीव मी, यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेट अस कनेक्ट एंड वर्क ऑन दिस सॉल्यूशन, लेट अस नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर, लेट अस फेस इट विद अ चैलेंज। हिप्नोथेरेपी के माध्यम से आप अपना माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और एक नई बेहतरीन जिंदगी आप जी सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव माई हेल्प। थैंक यू सो मच।